चलो आपका चॉकलेट। क्या हुआ बाबा, क्या परेशानी है आप बताएं। बेटा तेरी तो ख्वाहिश है हजिया उबरा। बाबा मैं अल अरिस टूर्स एंड ट्रैवल्स को जानता हूँ। हाँ हाँ वही जो नियामत तहरी के अपोजिट और जमजम बेकरी के पीछे। ज्यारतें कैसे करूँगा और हैदराबादी खाना? वहाँ पे आपको ज्यारतें अच्छे से हो जाएगी। तो हैदराबादी खाना 3 टाइम लजीज खाना, ईरानी चाय के साथ। और अब्बाजान आपको पता है हैदराबाद से जिद्दा, जिद्दा से हैदराबाद डायरेक्ट फ्लाइट है। मक्का मदीने को जाने के लिए वहाँ पे एसी बस का भी इंतजाम है। अल अरिस टूर्स एंड ट्रैवल्स, आप भी तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर। और फिर आप देखते हैं कि मेदक में, हमारे तेलंगाना रियासत में मेदक में एक बहाना बनाकर 3 बजे से 4 बजे से माहौल गर्म हो रहा है। मुझे ताज्जुब होता है कि वहाँ की पुलिस अगर फौरन हरकत में आ जाती तो ये सब तमाम वाकया नहीं होता। अरे 3 बजे से सिलसिला चल रहा है और बढ़ते बढ़ते लोगों को मारा गया, मुस्लिम अकलियत के गरीबों को पीटा गया। वो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में इलाज के लिए आए, दवाखाने के अंदर घुस गए, दवाखाने में घुसकर उसके सामान की तोड़फोड़ कर दी, उसकी गाड़ी को तोड़ दिया। वो बेचारा डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे हिंदू मुसलमान से क्या मतलब, जो पेशेंट आता मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। ये जख्मी लोग आए, मैं इलाज कर रहा था, इन्होंने घुसकर तोड़फोड़ कर दी। और फिर हैरत की बात यह है कि 4 महीने पहले भी संगारेड्डी से खरीद भी एक मुकाम पर गड़बड़ हुई। तो ये अगर ये चीजें होती रहेंगी तो बीजेपी इन्हीं चीजों के जरिए नफरत पैदा करती है। तो उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत इस बात का नोट ले कि ये 10 साल के बाद ये क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है। इनका पहला काम ये होना चाहिए कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को पोस्ट करें वहां पर, तकर्रुर करें, जो मजहब को नहीं देखे, सिर्फ काम उनका यह हो कि कोई अमन को ना बिगाड़े। अगर कोई भी अमन को बिगाड़ता है, किसी समाज का हो, किसी समुदाय का हो, उसका एक्शन ले लिया, ये इनको समझना है। वरना अगर हर 4 महीने को कुछ ना कुछ चुटपुट होता रहेगा तो फिर 28 करीब है, आज 24 है, देखते देखते 28 आ जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस की, तेलंगाना की हुकूमत को इन चीजों को सीरियस लेना पड़ेगा। और मैं तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं कि जो हमारे हिंदू भाई के दवाखाने में तोड़ फोड़ हुई, हुकूमत उनकी मदद करे। जहां पर जो नुकसान हुआ वहां के कलेक्टर गवर्नमेंट के फंड के जरिए उनकी इमदाद करें। और जब हमको खबर मिली, मुझे और कौसर मोहिनुद्दीन साहब को, तो हमने तमाम पुलिस के आला अधिकारियों से राबता किया, उनको बताया कि इस मुकाम पर यहां पर गड़बड़ हो रही है। हर पुलिस के आला अधिकार वहां पर एक आईजी को भिजाए, रात में पुलिस फोर्स को भिजाए, वहां जब तक गड़बड़ हो चुकी थी। और ये अजीब माहौल है कि वीडियो निकालते हैं बीजेपी वाले, हाथों में लट लकड़ी क्या क्या लेकर निकलते, ये चीज ठीक नहीं है तेलंगाना के लिए। तेलंगाना को अगर मजबूत रखना है, तेलंगाना को अगर उसकी तरक्की का सफर जारी रखना है, तो बहुत जरूरी है कि यहाँ का अमन मजबूत हो। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी किसी ने कोशिश की, अब यहां पर आप देख रहे हैं ये तमाशा हुआ है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की तशद्दुद, इस तरह की हरकतें, इस तरह के हमले मुस्लिम अकलियत पर, आम आदमियों पर खत्म होंगे। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अलर्ट और पुलिस ऑफिसर्स को रखिए। बल्कि जब ये कांग्रेस की हुकूमत है, तो जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, उन्होंने एक बिल बनाया था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल राइट्स का, उसको कानून बनाया यहां पर तेलंगाना में, जिसमें जिम्मेदारी आज होती है वहां के मुकामी पुलिस ऑफिसर के ऊपर। अगर वो कंट्रोल नहीं करेगा उस तशद्दुद को, उस काम को पूरा करें, वो बिल आज भी मौजूद है। उस बिल को लेकर आए तेलंगाना के असेंबली में और उसको कानून बना दिया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी पूरी तारीफ करेगी।
तेलंगाना को अगर मजबूत रखना है तो ये तमाम ये जो लोग हैं जो तेलंगाना के अमन के दुश्मन हैं, इनको रोकना जरूरी है। कैसे रोकेंगे आप जब आप कानून का इस्तेमाल करेंगे? अफसोसनाक वाकया है मेरठ का, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जख्मियों को लाकर हम असरा हॉस्पिटल में भी रखे, बाज लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मजलिस की लीगल टीम उनकी मदद कर रही है। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह वो अच्छा काम अंजाम देंगे। नाज़रीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।